ये भजन पढ़ा करो भगवान का, निष्कलंक नहीं कलंक बिल्कुल ये तो सब कहा जा रहा है। एक मोती को दूसरे मोती से कमती पड़ती कहा जा सकता है। तो माला जो होती है वो एक तरह के मोतियों से बनती है, एक छोटा एक बड़ा। तो अब इसमें तो गुरु जी की 45 भजनों की माला है, इसमें हर एक भजन का अपना अपना महत्व है। मैं कहता हूँ सारे ही पढ़ा करो, मगर कोई भी एक भजन अगर आप गुरु जी को सुनाते हो ना रोज, भारी उसका फल है, बहुत भारी। आप ये समझिए कि माँ काली को जागृत करते कितनी तड़प से वो नाक को रगड़ते थे पृथ्वी पे। मामा जी बता रहे थे ना कि वो इन ईंटों को हटाया नहीं दक्षिणेश्वर मंदिर में, उन्हें पता है कि इसमें भक्त का खून है, खून पसीना है। आज देखिए आप गुरु जी का खंडर कैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें उनका खून गिरा हुआ है, उसमें उन्होंने रात दिन कलकी कलकी किया है। जहाँ कलकी कलकी किया जाता है वहाँ कलयुग हमेशा खड़ा रहता है, तैयार रहता है। तो ऐसे में हमें बहुत सावधान होकर भगवान से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना है। और ये जो स्तुतियाँ जो हम गाते हैं ना, इससे हमारा चैतन्य जो जगत पते की घनिष्ठता आती है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे आप एक माला करें और भगवान आपके आगे आके आपकी बात पूरी कर फिर चले जाए, फिर एक माला कर फिर आ जाए, फिर थोड़े दिनों बाद ऐसा हो गया आप बोले तो कल की पूरा बोले नहीं तो पहले वो क्यों, क्योंकि आपका भाव बन जाएगा, फिर वो आपसे दूरी नहीं रहेंगे, अंग संग रहेंगे। हमारे मामा जी हैं, मेरे पिता बहुत कहते थे, मेरे देखो उन्होंने चैतन्य की जो जगत पति 2 घंटे आसन में बैठ के माँ काली को दुर्गा को जागृत कर लिया। मामा से पूछो ये 2 घंटे बैठते थे चैतन्य की जो जगत पति करते थे और दुर्गा जी साथ रहती थी 6 महीने, 6 महीने के बाद वो पीछे करने चली गई। छोटी सी आरती करते हैं जी फिर बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि पंडित जी की व्यवस्था है ना आज खड़े हो। पंडित जी कह रहे हैं कि भोजन कर लो, प्रार्थना करो, क्या दिक्कत है। बोलो कल की भगवान।